हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको फर्स्ट इन इंडिया, मैं उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा कि कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो वो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, 1757 से 1760 तक रहा है ये। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और उसका क्या है, लॉर्ड क्लाइव, यस। उसका सेकंड क्या है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था बेसिकली, ये थे वारन हेस्टिंग, 1772 से 1774 तक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन था, ये था बेसिकली वारन हेस्टिंग, जो 1774 से 1785 तक बेसिकली वारन हेस्टिंग था फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और क्या है, फोर्थ क्या है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक ऐसा पर्सन है जो कि इसने सती को बैन किया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि बेंटिक ने सती को कब बैन किया था। ठीक है, पांचवा है फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिन। ठीक है, उसका सिक्स क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब जब वो बना था बेसिकली। ठीक है, तो उसके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है, तो बताएं कि गांधी जी कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे और वो कब प्रेसिडेंट बने थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार ये एग्जाम पूछता है। सेवंथ क्या है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस, ठीक है, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि आईसीएस को पास किए थे। आईसीएस का फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विसेज, और फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर कौन थे, उसका नाम क्या था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखिए, ये आईसीएस तो पास करके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन उनको बाद में उनको छांट दिया गया था ड्यू टू सम फिजिकल रीज़न, बताया था कि आपके मतलब बेसिकली जो फिजिकल रीज़न की वजह से इनको छांट दिया गया था। ठीक है, बाद में सूर्यनाथ बनर्जी बहुत कुछ लिखते भी हैं, इनके इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम इसको पढ़ेंगे फ्यूचर लेक्चर में डेफिनेटली। फर्स्ट इंडियन नोबल लॉरेंट कौन थे, जिनको कि नोबल पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इनको नोबल जो इनको मिला था वो किस फील्ड में मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये था कुछ 10 फर्स्ट इन इंडिया, इसका मैं और भी इसका लेक्चर लेकर के आऊँगा डेफिनेटली। सो आज के लिए इतना ही है, आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर ली ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।